हे गाइस दिस इज़ सदफ़ वेलकम बैक टू स्टडी विद एसआर गाइज़ आज हम कंप्यूटर के कुछ सिंपल और एट्रैक्टिव ट्रिक सीखने वाले हैं मैंने आपको पिछले के वीडियोस में कंट्रोल प्लस ए टू जेड सिखाया था तो इस वीडियो में हम एफ F1 वन से एफ़ कीज़ के शॉर्टकट कीज के काम को समझने वाले हैं एफ़ F1 वन से एफ़ के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता इसलिए आज हम इसका यूजेस जानने वाले हैं सो लेट्स प्रोसीड एफ F1 हमको हेल्प अगर आप F1 दबाओगे क तो आपको एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको हेल्प लिखा रहेगा उसके द्वारा आप कोई से भी हेल्प ले सकते हो F12 F12 मतलब रिनेम करना अभी आपने F12 की दबाया तो आपको किसी फाइल को रिनेम करना हो या किसी डॉक्यूमेंट को रिनेम करना हो तो आप रिनेम कर सकते हो F3 मतलब सर्चिंग सर्चिंग मतलब आप F3 प्रेस करोगे तो आपको एक बॉक्स अपीयर होगा और उसके ऊपर जो भी आपको सर्च करना है डॉक्यूमेंट्स या फाइल या कोई सा भी आइकन तो वो सर्च हो जाएगा F4 फोर ऑल्ट प्लस एफ करने से शट डाउन होता है अगर आपने ऑल्ट प्लस एफ फोर करके अपने कंप्यूटर पे क्लिक किया तो शट डाउन हो जाएगा आप जो भी वर्क कर रहे हो या फिर कंप्यूटर लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा और अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और ऑल्ट प्लस एफ़ फोर दबाया तो वो डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा एफ़ फाइव रिफ्रेश ये तो हम सबको पता है एफ़ आइव से रिफ्रेश होता है और अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे हो या गूगल फॉर्म पे हो क्रोम फॉर्म पे हो तो एफ़ आइव से रिलोड हो जाएगा और एफ आई से हम लोग जब पी पी टी पे होते हैं तो उससे स्लाइड डाउन भी होता है एफ़ सिक्स यानी कि हाईलाइट ये आपके किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर देगी एफ़ सेवन चेक स्पेलिंग F7 मतलब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पे हो और आपको किसी स्पेलिंग को चेक करना है तो F7 क्लिक करोगे तो आपकी स्पेलिंग चेक का बॉक्स अपेयर होगा और उसके अंदर आपको कौन सी स्पेलिंग चेक करनी है वो बता सकते हो एफ एट बूट मेनू एफ एट प्रेस करने से हम कोई से भी मेन्यू पे होंगे तो उसका बूट मेन्यू का जो फंक्शन होता है वो ओपन हो जाएगा एफ नाइन एफ नाइन रिमूव सेलेक्टेड आइटम इसका मतलब है अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पे आपने बहुत सारे पैराग्राफ लिखे और आपने सेलेक्टेड आइटम किया है वो सबको किसी भी वर्ड को तो एफ़ नाइन प्रेस करोगे तो आपने जो भी सिलेक्टेड आइटम करे है वो रिमूव हो जाएंगे F10 से शिफ्ट प्लस F10 मतलब F10 की फंक्शन की को आप शिफ्ट प्लस F10 करोगे तो वो राइट right क्लिक का, का काम करता है जैसे कि हम माउस पे राइट right क्लिक का, का काम करते वो इजीली हम शिफ़्ट प्लस F10 से कर सकते हैं अगर आपका केस माउस ख़राब हो गया तो F11 इलेवन फुल स्क्रीन का काम करता है और मतलब आप किसी डॉक्यूमेंट पे और आपका वो मिनिमाइज फॉर्म पे है तो वो मैक्सिमाइज कर देगा एफ इलेवन सेव एज़ अगे कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपने सेव किया है और उसको वापस से सेव करना हो या फिर किसी नए डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो हम लोग इजीली एफ ट्वेल्व करके सेव कर सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ गाई सपोर्ट माई वर्क ये वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करो उनको भी पता चले F1 से F12 के फंक्शन कीज़ के बारे में डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू